हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मुझे जाना है अपनी भाभी के यहाँ, क्योंकि मुझे सुहागनों का निमंत्रण आया है। मैंने ही फ़ोन कर दिया था, तो सुबह फटाफट खाना बनाया बच्चों के लिए, दाल चावल सब्जी रोटी। और अब मैं जाऊंगी, क्योंकि वहाँ से आने में करीबन 2 से 3 घंटा हो जाएगा, हो सकता है 3-4 घंटा भी हो जाए। तो बच्चों के लिए इंतज़ाम करके जाना होगा, अगर थोड़ा सा भी लेट हो जाता है तो बच्चे तो भूखे रहते हैं ना। तो उनका मैंने कर दिया इंतज़ाम, और अपने घर की आरती पूजा भी निपटा दी मैंने। तो अब मैं जाऊंगी, और फिर वहाँ क्या होता है, कैसे क्या होता है, कितना क्या होता है, जितना मैं शूट कर पाऊँगी उतना मैं वीडियो शूट करूँगी, फिर आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो चलते हैं अपने भाभी के यहाँ। वहाँ पहुँच के ऐसा लगा मानो जैसे सब मेरा ही इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि मैं सबसे पास में रहती हूँ और मुझे आने में सबसे ज़्यादा देरी हो गई। खैर कोई बात नहीं, इस पूजा में पानी नहीं पिया जाता, इसलिए सबको एक दूसरे का इंतज़ार रहता है कि भाई सब लोग जल्दी आ जाओ, तो जल्दी पूजा हो जाए और इसके बाद सब लोग पानी पिए। बिना पानी पिए ही पूजा की जाती है। सुहागलें और संकटें दो होती हैं, तो आज यहाँ पे सुहागलें हो रही हैं, जो 7 औरतें खिलाई जाती हैं और 1 औरत को 1.25 पाव मिठाई खिलाई जाती है। भाभी हमारी पेड़े की खिला रही हैं, तो सारी औरतों को 1.25 पाव मिठाई मिलेगी। और वैसे नियम के हिसाब से तो एक जगह बैठ के ही सारी खानी चाहिए। पहले लोग एक जगह बैठ के ही खाते थे, लेकिन अब क्या है ना कि अब कोई एक साथ बैठ के एक जगह नहीं खा सकता, तो घर ले जाते हैं तो कुछ थोड़ा थोड़ा खाते हैं, अपना गाय वाय को खिला दिया, कुछ इस तरीके से अपना इंतजाम करते हैं, जिसको जैसा समझ में आए। लगभग सबको ही आ गया है, 1-2 लोग बचे होंगे तो वो आने वाले होंगे। जब तक भाभी पूजा शुरू करेंगी तब तक सब लोग आ जाएंगी। ये भाभी मेरे मामा की बहू है और बहुत अच्छा स्वभाव है इनका, तो मैं इनके यहाँ हमेशा जब भी कभी कुछ काम काज होता है तो मैं आती जाती हूँ। तो भाभी मेरी पूजा करती हैं, और इस पूजा में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है सुहाग की सामग्री। तो सुहाग की सामग्री उन्होंने चढ़ाई। सुहाग की सामग्री आदमी अपनी यथाशक्ति से चढ़ा सकता है, जिसको जितने जिसमें सामर्थ्य हो, जिसकी जितनी श्रद्धा। तो यहाँ पे भाभी ने चूड़ी बिंदी बिछिया ये सब चीज़ें चढ़ाई हुई हैं। तो अब पूजा स्टार्ट होगी और हम सब लोग देखेंगे बैठ के क्या होता है। जब गौर माता को रंग लग जाएगा तो हम सबके पैरों में भी रंग लगाया जाएगा। जब भी कोई अच्छा काम होता है, जैसे मकान बनता है लोगों का, नया घर हुआ, बच्चे हुए या शादी ब्याह हुआ, तो हम लोग के यहाँ पे इस तरीके से सुहागलें खिलाई जाती हैं। तो भाभी का नया नया मकान बना है, तो उन्होंने ये सुहागलों का निमंत्रण सबको किया है। हालांकि गृह प्रवेश की पार्टी भी ज़बरदस्त दी थी, लेकिन इस तरीके के छोटे मोटे जो प्रोग्राम और छोटी मोटी जो पूजा होती है वो महिलाएं करती ही रहती हैं। घर में एक छोटी सी भी खुशी आती है तो लोग सोचते हैं अरे यार बहुत अच्छा हुआ, चलो सुहागले खिला देते हैं। कई बार छोटा सा भी कष्ट आया तो होता है अरे संकट है, चलो संकटे खवा देते हैं। तो ये चीज़ें परिवार में और घर में लागू होती रहती हैं। तो सब लोगों ने रंग लगाया और भाभी की पूजा भी सम्पन्न हो गई। इस पूजा में बहुत कुछ नहीं लगता है, लेकिन जो भी लगता है वो बहुत विधि विधान के हिसाब से लगता है। सबको दही और पेड़े दिए जाएंगे। इससे पहले जो सुहागले माता है उनमें दही और पेड़ा चढ़ाया जाएगा। जब उनका भोग प्रसाद लग जाएगा तो फिर सबको प्रसाद मिलेगा और सब लोग बैठ के वहीं पर खाएंगे। पूजा होने के बाद बारी बारी से सबकी कोंच में डाले जाएंगे पेड़ा, और दही कटोरी में दी जाएगी। तो भाभी ने स्टार्ट किया दाहिने हाथ से डालना, तो इस तरीके से सबको वो ये जो पेड़ा उन्होंने 1.25 पाव पैक करवा के मंगवाए हैं, तो वो सबके कोंच में डालेंगी और फिर बैठ के सब लोग सुनेंगे कहानी। तो ये प्रक्रिया पूरी करीबन 2 से 2.5 घंटे की हो जाती है, क्योंकि सब लोग आते जाते हैं बैठते हैं, और इसके बाद थोड़ी बातचीत होती है, पंचायत होती है, धीरे धीरे पूजा होती है एक दूसरे का हालचाल लेते हुए। तो इसमें करीबन 2 से 2.5 घंटा तो लग ही जाता है। तो ज़्यादातर लोग कोशिश करते हैं कि जितना हो सके घर के नाश्ता पानी खाना पीना निपटा के आएँ।
तब फिर बाद में ये सारा काम करेगी। सामने चाची हमारी हमको मना करेगी, तुम वीडियो मत बनाओ और हमें कहानी सुनाने दो। तो हम लोगों ने कथा सुनी और इसके बाद सब लोगों ने थोड़ा थोड़ा सा गोछ लिया और संकटा महारानी के चरणों में चढ़ाया। अब हम सब बैठ के भोजन करेंगे, मतलब ये जो प्रसाद है पेड़े का ये खाएंगे। तीन घंटे हो गया मुझे घर से बाहर रहने में, अब आ गई मैं घर। धूप इतनी तेज थी, मुश्किल पड़ा रोड चलते चलते आते आते। बच्चे मेरे सब सो रहे हैं, लग रहा है बिल्कुल शांति शांति है घर में। खाना भी खा लिया होगा। वहाँ से आने के बाद मैं बाजार गई तो ढेर सारी सब्जी फल वगैरह लेके आई। सब्जी थी नहीं और भैया से मैंने कहा ले आओ, तो बोला नहीं माँ आप चलो साथ में। अब क्या है ना कि अंगूर का सीजन जाने वाला है तो ये बड़ा वाला अंगूर आने लग गया। इसका स्वाद बहुत अच्छा होता है, मुझे तो ये बहुत बढ़िया लगता है। कई बार लोग जो सुखा के किशमिश बनाते हैं ना, इस अंगूर की ज़्यादा बनाते हैं। इस समय मार्केट में हरी सब्जी बहुत आ रही, क्योंकि गर्मियाँ स्टार्ट होते ही हरी सब्जी आने लगती है। भिंडी, लौकी, कद्दू, तुरोई, खीरा, ककड़ी, ये सब बहुत आ रही। और खीरा ककड़ी ना इस समय खूब खाना चाहिए। तो मैं तो जब भी सब्जी लाती हूँ तो भर भर के झोला लाती हूँ कि कम से कम 7-8 दिन के लिए फुर्सत हो जाए। और आज का जो आम है ना बहुत बढ़िया है, मतलब देख के लगता है कि फटाफट मैंगो शेक बन जाए। तो मैं इसका बनाऊँगी मैंगो शेक भैया के लिए, बिट्टी के लिए। आज पूरा दिन बहुत काम रहा। सुबह भाभी के यहाँ जाना हुआ तो खाना पीना बना के बच्चों के लिए मैं गई थी। फिर मैं वहाँ से आई, हालांकि खाना मैं वहीं से खा के आई थी। फिर मार्केट भी जाना हुआ, मार्केट से होके आई। अब थोड़ा सा फ्री हुआ है तो मैंने अपनी बिटिया रानी से कहा कि बनाओ मेरे लिए कप चाय। तो आज मेरी बिटिया रानी चाय बना के लाई और कह रही माँ मुझे भी आपके साथ बैठ के चाय पीना है। भैया मेरा चाय वाय पीता नहीं है, बिटिया रानी मेरी कभी कभी पी लेती है। तो मैंने और भैया ने और बिट्टी ने बैठ के छत में चाय पिया। बहुत अच्छा लगता है, ये ग्रीन सीट लग गई तो थोड़ा सा ना जैसे छत में बैठते थे शाम को 6 बजे के आसपास आते, धूप रहती थी, लेकिन इसके लगने के बाद अब धूप नहीं लगती है। और ये जो मैं हरी सब्जी ढेर सारी लेके आई तो अब मैं छत में बैठ के इसे सब तोड़ूंगी, साफ करके रख दूंगी ताकि सुबह के लिए मुझे आराम हो जाए। सुबह के लिए मतलब पूरा ही आराम हो जाए। तो ये सारा रहा मेरा आज का पूरा रूटीन। और कैसा लगा ये वीडियो, अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप लोग वीडियो देख लेते हैं और लाइक नहीं करते ये तो अच्छी बात नहीं है। तो ये सारी सब्जी मैंने पुदीना, पालक और धनिया ये सारी मैंने धुल के और बढ़िया से कपड़े में डाल के सुखाने के लिए रख दिए ताकि इसका पानी सूख जाए और फिर मैं इसे फ्रिज में रख दूँ। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ फिर किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।